जिला मुख्यालय पर स्थित बास्केटबॉल स्टेडियम में दो दिवसीय जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता महिला एवं पुरुष शुरू हो गई है। जिला बिलासपुर बास्केटबॉल संघ द्वारा करवाई जा रही इस प्रतियोगिता का शुभारंभ सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने किया। प्रतियोगिता में जिला भर से महिला और पुरुष करीब 18 टीमों ने हिस्सा लिया। जिला बास्केटबॉल संघ के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि को शॉल टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उसके बाद जिला भर से आए खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट करके मुख्य अतिथि को सलामी भी दी। दो दिवसीय जिला स्तरीय महिला व पुरुषों की बास्केटबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर बास्केटबॉल मैदान रोडा मुख्य अतिथि ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियां प्रदान करने के लिए 3% आरक्षण दे रही है। उन्होंने युवाओं से कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी करियर बनाए जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिला बिलासपुर को खेलों का हब बनाने के लिए विभिन्न खेल गतिविधियों पर करोड़ों रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर की एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर जल, नभ और थल तीनों प्रकार की खेलें खेली जा सकती हैं और हाल ही में खेलों के सफल आयोजन जिला बिलासपुर में करवाए गए। उन्होंने बताया कि लगभग 6.5 लाख रुपए की धनराशि खर्च करके बास्केटबॉल मैदान में हाइड्रोलिक डंकन रिंग बोट पोल के 2 सेट सिग्नल स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके लिए विभाग को धनराशि उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होंने ग्राउंड के अंदर आवारा पशुओं की आवाजाही रोकने हेतु फेंसिंग तार सिग्नल लगवाने का आश्वासन भी दिया। जिला में बढ़ते प्रचलन के बीच जिला प्रशासन ने यूथ को स्पोर्ट्स की ओर मोड़ने की पहल की है। युवा नशे के बजाय खुद को खेलों में व्यस्त रखे, इसके लिए जिला भर में पंचायत और वार्ड स्तर पर 150 खेल मैदान बनाने का निर्णय भी लिया गया। जिला प्रशासन द्वारा खेल मैदान निर्मित करके युवाओं को खेलने के लिए सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा वॉलीबॉल और खो खो के लिए मैदान बनाए जाएंगे। जिला प्रशासन ने ऐसे मैदान बनाने का निर्णय लिया था जिन पर खर्च कम हो और युवाओं को स्पोर्ट्स की ओर भी मोड़ा जा सके। यही नहीं, ग्रामीण स्तर के युवक मंडलों को भी नशे के प्रति जागरूकता लाने और खेलों के प्रति युवाओं को आकर्षित करने के लिए कार्य करने को कहा गया। उधर जिला में पहले ही जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। जिला प्रशासन की माने तो जहां भी ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि उपलब्ध होगी वहां खेल मैदानों का निर्माण किया जाएगा। ऐसे में पर्याप्त और अधिक स्थानों पर भूमि उपलब्ध होती है जो निर्मित किए जाने वाले खेल मैदानों का आंकड़ा 150 से अधिक भी हो सकता है। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि जिला में नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि किस तरह युवाओं को इससे बचाया जा सके। जिला में वॉलीबॉल और खो खो के मैदान बनाए जाएंगे जिन पर खर्च भी कम हो। जिला प्रशासन की ओर से यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ मोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा युवक मंडलों को भी जोड़ा जा रहा है। 150 के बजाय जहां भूमि उपलब्ध होगी पंचायत या वार्ड स्तर पर मैदान निर्मित किए जाएंगे और खेल का सामान भी दिया जाएगा। देहरा विकास खंड कार्यालय में पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। इसमें देहरा विधानसभा क्षेत्र की भाजपा समर्थित होशियार सिंह एवं के विधायक उपायुक्त राकेश प्रजापति भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। विधायक ने ब्यास नदी के किनारे बसे कुछ गांवों के खिसकने का मुद्दा भी उठाया। इस अवसर पर उपायुक्त राकेश प्रजापति ने सभी पंचायतों में विकास कार्यों की नियमित समीक्षा भी की जा रही है तथा जिन पंचायतों में निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं किए जाएंगे उन पंचायतों के पंचायत सचिवों तथा तकनीकी सहायकों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी। देहरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक होशियार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र के कई गांव जो ब्यास नदी एवं दरिया के किनारे बसे हुए हैं, उन गांवों की भूमि बह रही है। इस समस्या के कारण
रोड की करोड़ों रुपए की योजना बंद पड़ी है। विधायक ने कहा कि उपायुक्त महोदया बीबीएमबी को नोटिस देकर समस्या का हल करवाए। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि मनरेगा में 100 दिन का कार्य पूर्ण करने वाले कामगारों का श्रम विभाग में पंजीकृत करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि मनरेगा कामगारों को भी श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इससे पहले बीडीओ राजीव सूद ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि देहरा विकास में चल रहे विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि मनरेगा के तहत गत वर्ष 11 करोड़ 78 लाख की राशि खर्च की गई है, जबकि चालू वित्त वर्ष में निर्धारित लक्ष्य पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर एसडीएम दनवीर ठाकुर, जिला परियोजना अधिकारी मुनीश शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।